देश में कोरोना वायरस के नए केसों में बुधवार को 44% का उछाल देखने को मिला। एक ही दिन में 9,195 नए केस मिले, जबकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 7,347 ही रह गई। इसके चलते एक्टिव केसों की संख्या 77,000 से ज्यादा पहुंच गई है। यही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से बढ़ते हुए 781 तक पहुंच गया। ऐसे में इस बात की आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसों में और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका असर पहली और दूसरी लहर के जितना घातक नहीं होगा। इसके अलावा ये लहर भी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। 2022 की शुरुआत में ही केसों का पीक देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं तीसरी लहर की आशंकाओं पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में दिसंबर के आखिरी सप्ताह से नए केसों में इजाफा देखने को मिलेगा। आईआईटी कानपुर की स्टडी में कहा गया है कि भारत में तीसरी लहर का पीक 3 फरवरी 2022 को आएगा। इस अनुमान के मुताबिक 15 दिसंबर से केसों में तेजी शुरू होकर फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद गिरावट देखने को मिलेगी। नेशनल कोरोना सुपर मॉडल कमेटी के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर अपने पीक पर रहेगी। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जब डेल्टा की जगह ले लेगा तो फिर केसों में इजाफा देखने को मिलेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली बार पहचान करने वाली दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर एंजेलिका कोएत्सी ने कहा कि भारत में इसके चलते मामले तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक राहत की बात ये भी कही कि मरीजों में लक्षण मामूली ही रहेंगे। कोएत्सी ने कहा, भारत में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रहने के बाद भी मरीजों में लक्षण मामूली ही रहेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। We'll be right back.